हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि इंडोर प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं वो पीली क्यों होने लगती हैं, इंडोर प्लांट्स की पत्तियाँ पीले होने के क्या क्या कारण होते हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे ठीक करें इन पत्तियों को, इंडोर प्लांट्स की पत्तियों को। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। सबसे पहला जो कारण होता है इंडोर प्लांट्स की पत्तियों का पीले होने का फ्रेंड्स, वो होता है लाइट की कमी। अगर आपने अपने पौधे को घर के अंदर ऐसी जगह में रखा है जहाँ पे प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को कम लाइट मिलती है, जितनी उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है रोशनी की उतनी अगर उन पौधों को नहीं मिल रही है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई नया प्लांट लेते हैं, ख़ास तौर से जब इंडोर प्लांट लेते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें कि ये जो प्लांट आप ले रहे हैं वो किस तरह का प्लांट है, उसे कितनी रोशनी चाहिए और कितना पानी देना है, सारी चीज़ें। कहने का मतलब है कि प्लांट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्लांट वेंडर से, जो जिससे आप प्लांट लेते हैं या प्लांट नर्सरी में लेते हैं, तो उससे पता कर लिया करें, जिससे कि आपको प्लांट की जो केयर है करने में आसानी रहेगी। तो प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को ब्राइट लाइट में रखें जहाँ पे अच्छी रोशनी मिलती है। दूसरा जो कारण हो सकता है प्लांट्स की पत्तियों का पीले होने का फ्रेंड्स, वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं अपने प्लांट में, यानी कि ओवर वाटरिंग करने की वजह से भी जो इंडोर प्लांट्स की पत्तियाँ हैं वो बहुत जल्दी पीली होने लगती हैं। तो इसीलिए इसमें हमेशा बैलेंस्ड वे में पानी दिया करें, बहुत ज़्यादा पानी ना दिया करें। एक बार पानी देने के बाद जब मिट्टी सूखने लगती हो पूरी तरह से तभी दोबारा पानी डालें। तीसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है फ्रेंड्स बहुत कम पानी देना, यानी कि अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग करने से भी पानी बहुत कम अगर प्लांट में डालते हैं तो इससे भी मिट्टी बहुत जल्दी सूखने लगती है और जिसकी वजह से पत्तियाँ जो है वो पीली होने लगती हैं। इसके अलावा जो कारण होते हैं पत्तियों के पीले होने के, वो होते हैं फ्रेंड्स कि हो सकता है कि प्लांट जो है उसकी पत्तियां, वो प्लांट की पत्तियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। जो बहुत पुरानी पत्तियां होती हैं वो अपने आप गिर ही जाती हैं पीली होके, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो उसके पीले होने का कारण हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी कि जो आप फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देते हैं वो प्लांट्स को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है पत्तियां पीली करने लगता है अपनी। तो इससे भी पता चलता है कि फ्रेंड्स इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स कोई वायरल इन्फेक्शन है आपके प्लांट में, तो भी ऐसा इंडिकेशन देखने को मिलता है पत्तियां इंडोर प्लांट्स की पीली होने लगती हैं। इसके अलावा रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में कई तरह के पेस्ट्स या इन्फेस्टेशन हो गया है, कीड़े मकोड़े का अटैक है, तो इस वजह से भी जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट्स जो हैं, ख़ासतौर से इंडोर प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं वो पीली होने लगती हैं। तो प्लांट को ठीक करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो बहुत बैलेंस्ड वे में पानी दें। दूसरा कि अगर आप बहुत कम पानी दे रहे हैं तो एक बार पानी देने के बाद मिट्टी चेक करके, जब उसकी मिट्टी हल्की सूखने लगती है तभी उसमें पानी दिया करें, बहुत जल्दी जल्दी प्लांट में पानी ना दिया करें। तीसरा फ्रेंड्स मैंने बताया कि लाइट की कमी, लाइट की अगर जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ख़ासतौर से उनको ब्राइट लाइट की, ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादातर ब्राइट लाइट यानी कि कड़ी रोशनी की, अच्छी रोशनी की ज़रूरत होती है, तो उनको कोशिश करें कि घर के अंदर रखा हो तो अच्छी रोशनी मिले उन पौधों को, तब आपके पौधे के जो पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो पीली नहीं होंगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन की अगर कमी हो रही है तो फ्रेंड्स आप अपने प्लांट में अच्छा सा कोई फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आप अपने प्लांट में देते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र एनपीके जो होता है वो अगर आप देते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर कीड़े मकौड़े का अटैक है आपके प्लांट में फ्रेंड्स, तो आप कुछ अच्छा सा, कोई अच्छा सा फंजिसाइड जैसे साफ, बेवस्टीन, ये कुछ ट्राइकोडर्मा, ऐसे कुछ फंजिसाइड पाउडर हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोगों को किसी भी प्लांट नर्सरी वाले के पास मिल जाएगा, तो वो आप लोग मंगा कर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट के ऊपर पूरा ऊपर और नीचे की तरफ स्प्रे करें, और महीने में ऐसा कम से कम 2 बार करें, और बाकी पानी को गमले की मिट्टी में डाल दें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि फंगस प्लांट में नहीं लगते हैं और आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत हरा भरा बना रहता है, ख़राब नहीं होते हैं प्लांट। तो फंजिसाइड का अप्लाई ज़रूर करें। कीड़े मकौड़े का अटैक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है वैसे तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं आप लोग 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हर 15 से 20 दिन में प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों पर, पत्तियों के नीचे, दोनों तरफ, हर तरफ डाल दिया करें, जिससे कीड़े मकौड़े नहीं लगेंगे आपके प्लांट में। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है या फिर फंजिसाइड पाउडर आप नहीं लाना चाहते फ्रेंड्स, सबसे अच्छा एक जो काम आप कर सकते हैं, अगर नीम के पत्तियां आप लोगों को इजीली अवेलेबल है तो आप लोग नीम की पत्तियों को अच्छे से बॉईल करके, और वो जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसकी पानियों को उसकी पानी को छान कर किसी स्प्रे बॉटल में डाल के, और फिर सारे प्लांट्स पे, आप चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, हर तरह के प्लांट्स पे आप उस पानी का स्प्रे कर सकते हैं किसी स्प्रे बॉटल में डाल के। तो इससे भी जो आपके प्लांट में कीड़े मकौड़े लगते हैं वो उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, उससे बचाव हो जाएगा आपके प्लांट का, और आपके प्लांट भी जो है हरा भरा आपका प्लांट बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।